आज की कहानी उत्तर प्रदेश की है। विकास दुबे नाम का एक 20 वर्ष का लड़का जिसको अब तक 7 बार सांप काट चुका है। ये कहानी अपने आप में बहुत विचित्र है, क्योंकि अक्सर ऐसा फिल्मों में दिखाई देता है कि पिछले जन्म के कर्मों का फल नाग नागिन बन के इस जन्म में किसी से ले रहे हैं। लेकिन आज की जो कहानी है विकास दुबे की, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, किस कारण से एक ही सांप एक ही लड़के को जो कि महज 20 वर्ष का है उसे काटता ही चला जा रहा है, लगातार उसके जान का दुश्मन बन बैठा है। क्या ये कोई भूत प्रेत का साया है या फिर एक पुराने पुनः जन्म का कोई बदला लिया जा रहा है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है फतेहपुर। फतेहपुर में मलवा नाम का पुलिस थाना लगता है, जिसका क्षेत्र है सोरा। सोरा का ही रहने वाला विकास दुबे है, जो कि 20 साल का। 2 जून 2024 को विकास दुबे अपने ही घर पे दोपहर के समय लगभग 2 बज रहे थे आराम कर रहा था। बेड पे आराम करते करते अचानक उसकी नींद खुलती है। वो अपने पैर को बेड से नीचे रखता है और जैसे ही नीचे रखता है वैसे ही उसको तेज चुभने जैसा दर्द होता है। दर्द होने के बाद थोड़ी खुजली होती है। जब वो खुजली करने के लिए पैर को ऊपर उठाता है तब देखता है कि उसे कुछ चीज काट ली। जब वो अपने पैर को करीब से देखता है तो ये निशान सांप के काटने के थे। वो घबरा जाता है और उसके बाद उसकी तबीयत भी लगातार खराब होने लगती है। उसको उल्टी होने लगते हैं, उसको चक्कर आने लगते हैं। तुरंत ही वो घर वालों को बुलाता है और कहता है कि मुझे सांप काट चुका है। अब घर वाले आनन फानन में विकास को बेड से उठाते हैं, उसे नजदीकी हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका उपचार चल रहा था। लगभग 2 दिन उसको लगे ठीक होने में। जैसे तैसे वो थोड़ा ठीक होता है। 2 दिन के बाद इस उपचार के बाद हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज मिल जाता है। अब घर जाकर के वो निश्चिंत था कि कोई खतरे की बात नहीं है उसके जान को। लेकिन ये जो उसका वहम था वो टूट जाता है 8 दिन बाद ही। पहली बार 2 जून को उसको सांप ने डसा था। अब बारी आती है 10 जून की। 10 जून को वो रात में सो रहा था। सोते हुए उसे वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है। वो जैसे ही वॉशरूम जाने के लिए उठता है वैसे ही फिर से सांप उसे डस जाता है। अब इस बार विकास ने उस सांप को देख भी लिया था। वो फिर से डर जाता है और फिर से घर वालों को चीख पुकारता है और बुलाता है। उसके बाद उसे फिर से विकास दुबे को घर वाले नज़दीकी उसी हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करवा देते हैं। अब यहाँ पे उसकी फिर से उपचार शुरू होती है और जैसे तैसे इस बार वो आईसीयू में भर्ती था। 2 से 3 दिन में उसे ठीक कर पाते हैं डॉक्टर्स और फिर से वो घर पहुँच जाता है। अब इधर घर वालों में और गाँव के लोगों में कानाफूसी शुरू हो जाती है कि कैसे विकास दुबे को 8 दिन के अंदर ही 2 बार सांप काट चुका है। कुछ घरवाले समझते हैं कि हो सकता है कोई दोष लगा हो विकास को। कुछ गांव वाले ये कहते हैं कि कोई बुरी बला है, या कुछ गांव वाले बताते हैं कि ये पुण्य जन्म का कोई बदला है। तरह तरह की अफवाहें उड़नी शुरू हो जाती है। अफवाह मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से इन सभी बातों पे वैज्ञानिक भरोसा नहीं करते हैं। किसी युवक को बार बार सांप का काटना, कोई साइंटिफिक इसके पीछे रीज़न हो सकता है, कोई कारण हो सकता है, लेकिन गांव वाले और परिवार वाले इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। जैसे तैसे पूजा पाठ कराया जाता है, मन को दिलासा दिया जाता है और उस लड़के के भी सेवा लगातार घर परिवार वालों के द्वारा जारी रहती है। लेकिन ये पूजा पाठ में भी करने की कोशिश के बाद भी 17 जून को फिर से ये सांप विकास को तब काट बैठता है 3री बार, जब वो परिवार वालों के बीच में ही बैठा था, बातचीत कर रहा था। दोपहर का समय था, सांप आता है, विकास को काट लेता है। काटने के बाद जैसे ही वो घबराता है, क्योंकि उसको दिक्कत होती है, उसको खुजली होती है, उसको अलग अलग से गंभीर समस्याएं तुरंत ही शुरू हो जाती है क्योंकि सांप जहरीला है। अब वो फिर से जब चिल्लाता है कि मुझे 3री बार सांप काट चुका है, परिवार वालों के कुछ लोगों ने भी इस सांप को उस समय देखा, पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो झटपट सांप वहां से निकल जाता। अब विकास को फिर से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसके फिर से इलाज होती है और फिर से वो 2 दिन के बाद घर आ जाता है। ये 3री बार ये घटना थी जो विकास के साथ घटी थी।
अब इसी के साथ 21 जून 2024 का समय होता है। विकास अपने घर में सोया हुआ था, अपने परिजनों के साथ में सोया हुआ था, लेकिन फिर भी इस 21 जून को विकास को चौथी बार सांप काट लेता है। अब परिवार वालों को यह काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा, भय लगने लगा कि परिवार के अन्य लोगों को कोई नुकसान ये सांप नहीं पहुंचा रहा है, ये बार बार विकास को ही क्यों काट रहा है। अब आसपास के गांव के लोग भी डर रहे थे, तरह तरह की चीज़ें करी जा रही थी ताकि और अन्य सदस्यों को कोई परेशानी ना हो। विकास को लेकर के घर वाले परिवार वाले काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। फिर से उसको एक बार हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और फिर से उसकी इलाज करा कर के उसको ठीक कराया जाता है। अब इसके बाद जब इतनी ज़्यादा घटनाएं विकास के साथ हो रही थी तो परिवार वालों के साथ मिलकर विकास भी एक फैसला लेता है कि मुझे ये घर छोड़ करके चले जाना चाहिए, हो सकता है ये सांप घर में ही रहता है और बार बार मुझे ही क्यों काट रहा है। इसके बाद वो अपने मौसी के घर जाने का सोचता है जिनका घर उत्तर प्रदेश के राधा नगर में है। अब ये विकास अपने मौसी के घर जाकर के रहना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी परेशानी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती है। 28 जून 2024 को फिर से रात के ही समय ये सांप पांचवी बार विकास को काट लेता है। फिर विकास और घबरा जाता है और परेशान हो जाता है और जब यहाँ से भी उसको राहत नहीं मिलती है, उसका उपचार करवाया जाता है हॉस्पिटल में, उसके बाद वो फिर से अपने घर पहुँच जाता है। घर पहुँचने के बाद अब तक की जानकारी में सामने आया है कि उसको लगभग 7 बार सांप ने डस लिया है। उसे एक रात एक सपना भी आया है जिसमें यही सांप उसे कहते हुए बोल रहा है कि मैं तुम्हें 9 बार डसूंगा और जब 9वीं बार डसूंगा तो कोई डॉक्टर कोई पूजा पाठ तुम्हें बचा नहीं पाएगा, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊंगा। इस बात से परिवार वाले और विकास दुबे खुद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, निराश है और घबराया हुआ है। ये प्रकरण अपने आप में एक अजीब सी कहानी को दर्शाता है कि एक ही सांप एक युवक के पीछे क्यों इस तरह से पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि सांपों को दिखाई ठीक से नहीं देता है। सांप जो होते हैं वो आपके हाव भाव से या फिर जो धरती है उसमें जो वाइब्रेशन होती हैं, जो आवाज़ें होती हैं, उसको सुनकर अपने आप को इधर उधर रुख मोड़ना हिलाना डुलाना शुरू करते हैं। जब वो देख ही नहीं सकता है तो क्यों वो बार बार एक ही युवक के पीछे पड़ा हुआ है। किसी एक इंसान को 7 बार सांप काट ले, वो भी कुछ ही दिनों के अंतराल में, ये कहानी अपने आप में बहुत अजीब है। लेकिन फिर भी कोई भी वैज्ञानिक दृष्टि से इसको नहीं मान सकता है कि ये पूर्ण जन्म की कोई परेशानी के वजह से उसके साथ ऐसा बदला लेने के लिए किया जा रहा है या क्यों किया जा रहा है। लेकिन फिर भी इस पे जांच जो है वो हो रही है। परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा विकास की देखभाल कर रहे हैं, इस चीज़ को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, उस सांप को पकड़ने के भी जतन किए जा रहे हैं। लेकिन ये कहानी अपने आप में ही बहुत दुर्लभ कहानी है। तो आज की कहानी यहीं तक थी। इस कहानी का सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी हैं स्वस्थ सुरक्षित और खुशहाल हैं, आपके परिवार का पूरा ध्यान रख रहे हैं। अगली बार फिर से नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।